एंड ऑल्सो आई बिलीव कि ये पूरा गाना 10% भी नहीं है जिस हालत से वो गुजरता है. आई एम प्रीटी श्योर. या हेलो गाइस, व्हाट्स अप, क्या हालचाल, कैसे हो तुम लोग. वेलकम बैक टू माय चैनल स्पेस ओपे, जहां पे हम लोग करते हैं टीएचएस गानों पे डिस्कस, रिएक्ट एंड बकचोदी. सो टुडे वी गोना बी रिएक्टिंग ऑन, बहुत दिनों से हाइप बन रही थी इस गाने की, स्टोरीज में बातें चल रही थी कि तुम मुझे हेट करना है, हेट कर लो, बट 11 तारीख को या कन्फेशन गाने का नाम है. आर्टिस्ट बेला, प्रोडक्शन बाय उजी एंड इट्स अ म्यूजिक वीडियो. में देखने को मिला कि आर्टिस्ट प्रभाष भी है, बैकिंग वोकल्स हो सकता है या लिरिक्स पे हो सकता है. या वही मैं बोल रहा हूँ, बहुत दिनों से हाइप चल रही थी एंड म्यूजिक वीडियो भी है, तो लेट्स चेक आउट क्या सीन है. एंड आई गेस सो वी आर वेरी क्लोज टू वे अबव, क्योंकि बेला ने कुछ अपना शेयर किया था. 6 महीने हो गए बेला भाई, अब ड्रॉप कर दो. टाइम है, जब पब्लिक को जरूरत होगी तो जरूर आएंगे गाने. दिल में सब दबा चुका किसी से, बात नहीं करता मुझको इस दुनिया से, कुछ खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. गैस ये खूनी मेरे अंदर एक घर बना के रहता है. फील हिम, ये शायद मेरे सपने हैं जो मेरे आईने में मेरा ही चेहरा लेते हैं. लो जान ले लो, अगर ये ठीक लगे मैं शांत खड़ा रहूं, या फिर कहीं सुनी बात बना रहा हूं, किसी की आवाज बना रहा हूं. ये पागल है जो मेरे लिए जान देने आ जाते हैं. ऐसी पेन, ये इतना ग्रीफ, ये इतना बोझ जीना चाहते हैं. मैं मायूस हो जाता हूं जब ये चीजें मेरे सामने आती हैं. आंखें नम हो जाती हैं, रातें सोना चाहती हैं, माँ के ताने खाती है. बस कर यार, मैं लायक नहीं हूँ, गायक नहीं हूँ, शायर नहीं हूँ, वाकिफ नहीं हूँ, शामिल नहीं हूँ, हाजिर नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ यार, मैं पागल नहीं हूँ. इस शहर में किसी के भी लायक नहीं हूँ. थोड़ी दारू पीने बैठा तो कोई याद आ जाए, किसी बेवफा का कॉल मेरे फोन पे आ जाए, उसे इतना कोसूंगा कि आंखें उसकी भी हो नम, मेरे एक एक घूंट में सुरूर आ जाए. आज मान लो कि मेरे सर पे फितूर आ जाए. बेहोश हूँ, मेरी माँ को ये कौन बोले कि मैं दुखी था या फांसी लेने वाला था. मेरी बहन बैठी कोसेगी कि भाई तू तो जीत कर लाने वाला था, मेरे लिए दुनिया एक करने वाला था, पापा की दारू छुड़ाने वाला था, मेरी कॉलेज की फीस देने वाला था. क्या होगा उन बातों का, असल में कोई किसी की परीक्षा नहीं लेता, सभी किसी को कुछ नहीं मानते. आंसू के आगे पैसे का वजन है, शैतान के आगे लोग भगवान के प्राण दे. मना कर खुद को मेरी जीत में शामिल होने से, या तो तोड़ दे ये नफरत और अभी हमें एक होने दे. मैं लिखूं जैसा भी, मेरी माँ को मुझ पे नाज होने दे. मेरी जिंदगी को जो भी श्राप मिले उसे दीपक सिंह एक ए बेला के नाम होने दे. या तो मशहूर होने दे या तो बदनाम होने दे. इस लहू का रंग मिट्टी में मिलके कूड़ा होने दे. समाज की सोच को कूड़ा मत होने दे दोस्त, मुझे अकेला मत छोड़. बचपन से मेरी सादगी काबू नहीं है, आशिक हूं तो धोखे खा के जिंदा रहना लाजमी भी है. मेरी शायरी आम नहीं है, माफी मेरे गुरु. आशिक हूँ तो जख्मे खाके जीना लाजमी, ऐसा कुछ उसने बोला है. डैम, स्टोरी टेलिंग चल रहा है, प्योर स्टोरी टेलिंग चल रहा है. कॉन्वर्सेशन विद गॉड. ना मेरे को लग वही जैसे उसने कमल आर्ट में बार बार किया ना कि एस्ट्रो, बेला, दीपक, तो खुद से या एवरी पर्सनैलिटी, हाउ मतलब उसका हर एक पर्सनैलिटी एक एक फेस को डिफाइन करता है. या एंड जैसे कि बहुत सारी बातें बोला गया है कि प्योर स्टोरी टेलिंग, माँ के ताने, बहन के फीस, बाप का दारू, एंड दैट इज ऑल सच्ची बात है. अभी तक लगे कि पापा के दारू, बहुत गानों में सुन रखा है कि बाप के दारू वाले आदतों से असूल है जुरा. अगर दीपक सिंह नहीं रहा, मतलब अगर उसने खुदकुशी कर लिया, कुछ कर लिया, तो ये सब कौन फुलफिल करेगा. एंड जो लाइन्स बोल रहा है कि ये किसी की और स्टोरी नहीं है, खुद की स्टोरी बोल रहा है, क्योंकि हमने प्रीवियस गानों में ये सब बातें और सुन रखी है. डैम, एंड मेरे को ये स्टोरी टेलिंग बहुत ज्यादा ना, तुम अगर शिकरीवाल को सुने तो मेरे को वैसा साउंड कर रहा है. बहुत ज्यादा मैंने लाइव स्ट्रीम में बजाया था, याद करो डेट्स. थोड़ा सा ऐसा साउंड थोड़ा सा कर रहा है, पता नहीं, बट मजेदार शीट है. पूरा पीछे करो, सुनना एक बार सही से, एंड आप पॉजेस करिए सुनेंगे. ओके, लेट्स गो. वीडियो भी बहुत सही है भाई, ओनली बेला पे फोकस है. या दिल में सब दबा चुका किसी से, बात नहीं करता मुझको इस दुनिया से, कुछ खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. गैस ये खूनी मेरे अंदर एक घर बना के रहता है. फील हिम, ये शायद मेरे सपने हैं जो मेरे आईने में मेरा ही चेहरा लेते हैं. तो जान ले लो, अगर ये ठीक लगे मैं शांत खड़ा रहूं, या फिर कहीं सुनी बात बना रहा हूं, किसी की आवाज बना रहा हूं. पागल है जो मेरे लिए जान देने आ जाते हैं. ऐसी पेन, ये इतना ग्रीफ, ये इतना बोझ जीना चाहते हैं. मैं मायूस हो जाता हूं जब ये चीजें मेरे सामने आती हैं. आंखें नम हो जाती हैं, रातें सोना चाहती हैं, माँ के ताने खाती है. बस कर यार, मैं लायक नहीं हूं, गायक नहीं हूं, शायर नहीं हूं, वाकिफ नहीं हूं, शामिल नहीं हूं, हाजिर नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं यार, मैं पागल नहीं हूं. इस जन्म शायद नहीं हूं, मैं लायक नहीं हूं, वाकिफ नहीं हूं, एंड मैं पागल नहीं यार. दो बार उसने बोला है कि मैं पागल नहीं हूं यार, जैसे कि उन्हें प्रीवियस भी देख चुके हैं.
इक्का फिक्का के बोलते हैं ना, ये बेला तो मेंटली रिटार्ड है, हाँ, तो इसलिए उसने दो बार बोला कि भाई मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, जो दुनिया मुझे मानती है कि भाई ये क्या कर रहा है, ये ऐसे क्यों कर रहा है, 10 सेकंड पीछे करना। तो ये अभी फील ही मैं बोला ना कि किसी और की स्टोरीज नहीं है, खुद की बातें चल रही है। रातें सोना चाहती है, मां के ताने खाती है, बस कर यार। मैं लायक नहीं हूँ, गायक नहीं हूँ, शायर नहीं हूँ, वाकिफ नहीं हूँ, शामिल नहीं हूँ, हाजिर नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ यार, मैं पागल नहीं हूँ, इस जन्म तो शायद मैं किसी के भी लायक नहीं हूँ। थोड़ी दारू पीने बैठा तो कोई याद आ जाए, किसी बेवकूफ का कॉल मेरे फोन पे आ जा जाए, उसे इतना कोसूंगा कि आंखें उसकी पियो नम, एक एक घूंट में सुरूर आ जाए, आज मान लो कि मेरे सर पे फितूर आ जाए। बेहोश हूँ, मेरी माँ को ये कौन बोले कि मैं दुखी था या फांसी लेने वाला था, मेरी बहन बैठी कोसेगी कि भाई तू तो जीत कर लाने वाला था, मेरे लिए दुनिया एक करने वाला था, पापा की दारू छुड़ाने वाला था, मेरी कॉलेज की फीस देने वाला था, क्या होगा उन बातों का। असल में कोई किसी की परीक्षा नहीं लेता, सभी किसी को कुछ नहीं मानते, आंसू के आगे पैसे का वजन है, शैतान के आगे लोग भगवान की प्रांते, मना कर खुद को मेरी जीत में शामिल होने से, या तो तोड़ दे ये नफरत और अभी हमें एक होने दे, मैं लिखूं जैसा भी, मेरी माँ को मुझ पे नाज होने दे, मेरी जिंदगी को जो भी श्राप मिले उसे दीपक सिंह एक ए बेला के नाम होने दे, या तो मशहूर होने दे या तो बदनाम होने दे, इस लहू का रंग मिट्टी में मिलके कूड़ा होने दे, समाज की सोच को कूड़ा मत होने दे दोस्त, मुझे अकेला मत छोड़, बचपन से मेरी सादगी काबू नहीं है, आशिक हूं तो धोखे खा के जिंदा रहना लाजमी भी है, मेरी शायरी और जैसी आम नहीं है, मेरे गुरूर शायरी है तो किसी की भी आम नहीं है, ये तेरा गुरूर है कि शायरी आम होती है। लोकल दोस्तों से मेरी बातचीत नहीं है, दूर के दोस्तों के पास छोटे भाई के लिए टाइम नहीं है, आई फील अलोन, मैं इस जंग में इतना सह के वापस जाने को रेडी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने सीखा ऐसे लोगों से जो आज भी उन गलियों में हंसा कर रहे हैं, कोई नहीं दोस्त, हम जीतेंगे एक दिन, हम जीतेंगे। ये बातें तेरे मेरे बीच में रख, क्योंकि सच्ची है तो कड़वी होंगी, यू नो इट, आई स्टिल विश फॉर ह्यूमैनिटी, आई स्टिल विश फॉर गुड फ्यूचर, इससे पहले ये सब खुद में लड़के हो जाएं डिस्ट्रॉय, आई ब्लेम इट ऑन मी, आई ब्लेम इट ऑल ओनली ऑन मायसेल्फ, क्योंकि राख बन के किसी के सवाल का जवाब तो ना दूंगा, आखिर मर गया तो यकीन रखना मेरे जैसा कभी दोबारा ना दूंगा, ये हकीकत है ना, मेरी कायनात को पता है मेरा नसीब कितना सटीक है ना, मेरे ब्रेन में एक मशीन है ना जो मेरे दिल की ना सुने। कोई ऐसा करम मेरे जज्बात मुझे हर रात यूं ही कोसते हैं, इनकी ये तकलीफें कर दो खत्म, ओके। मुझे लगा ट्रिगर का साउंड आएगा बट नहीं आया। इनकी ये तकलीफें कर दो ना खत्म। हाँ, तो प्रवास का हुक वाज मोर ऑफ लाइक अ जेनेरिक प्रेयर या एंड सारे दुख एंड ऑल खत्म हो जाए, एंड वो हुक बनता है। दिस सॉन्ग इज पर्सनल, वेरी मच पर्सनल। या दिस सॉन्ग इज वेरी मच पर्सनल फॉर बेला, क्योंकि पूरा उसी की बातें लाइक मींस हर एक लाइन से रिलेटेड कि मेरी शायरी आम नहीं है, एंड मेरे पुराने दोस्तों से बात नहीं है, एंड दूर के दोस्तों से मतलब दोस्तों को मेरे लिए टाइम नहीं है, तो आई थिंक ही इज टॉकिंग अबाउट हिज फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री, आई गेस सो, या फिर कोई और भी दूसरे दोस्तों से, लाइक पर्सनल ओपिनियन है। या तो बहुत ही ज्यादा पर्सनल गाना है, एंड बहुत प्यारी तरीके से गाना को उसे क्या बोलते एग्जीक्यूट किया गया है। द विजन जो है वीडियो में दिख रहा है, हमें लास्ट के प्रवास के हुक में दिख रहा है, एंड बेला का स्टोरी टेलिंग दिख रहा है, एंड नाउ इट्स फीलिंग लाइक बेला हैज गॉट हिज टीम मैन, एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है बंदे में। देखो वीडियो में विक्रम भाई है, जो आज से नहीं बहुत वंडर बॉय घर वाले के, उस टाइम से हम लोग मींस कंसिस्टेंटली विक्रम को देखते हुए आ रहे हैं, उसी को हमने केमिकल रिएक्शन से तो देखो कि मैं अब फिक्स है, प्रोडक्शन उजी आ जा, वीडियो विक्रम आ जा, मुझे एक हुक चाहिए भाई, प्रभास डाल दे भाई, बिगी डाल दे, तो यही बहुत टीम की, हाँ अब मैं अकेला नहीं हूँ। तो भाई जब आर्टिस्ट बढ़ने लग जाता है अपना मीन्स करियर जब बढ़ने लग जाता है, ही मीन्स उस पोजीशन में जब उसको जाना रहता है ना, अकेला नहीं होता, एक टीम लगता है, सबका इनपुट आता है, विजन मिलता है, ऐसा प्रोडक्ट बनता है। एंड डैम मैन बहुत प्यारा स्टोरी टेलिंग है, बहुत ही अच्छा। एंड जो बेला को सुनते आते हैं, जो बेला को फील करते आते हैं, जो बेला के बारे में हर एक चीज जानता है, उसे ये गाना बहुत ज्यादा फील होने वाला है, एंड बेला से उसे कनेक्ट करने वाला है मोर। मैं क्यों बोल रही हूँ कि ये मोर ऑफ अ पर्सनल सॉन्ग था, क्योंकि आई थिंक शुरू से लेके खत्म होने तक बेला भाई जस्ट टॉक्ड अबाउट हिज सफरिंग्स एंड व्हाट ही फेस्ड, ठीक है, एंड द कांस्टेंट वर्ल्ड जो वो अपने आप से लड़ रहा है, ठीक है। तो किसी किसी जगह में मुझे लगा कि ये पूरा गाना एक लाइक कॉन्वर्सेशन है गॉड से, या जिस भगवान को वो मानता है, या फिर अपने ही मतलब और
पर्सनालिटीज से। जैसे गाने का टाइटल है कन्फेशन, ही इज कन्फेशिंग एवरीथिंग कि भाई अगर मैं ये मर जाने वाला हूँ तो ये सब चीजें कौन करेगा मेरे पे। जो बेला ये मानता है मेरे को ऐसे, उसने बोलता है कि मुझे खुदा का वो चाहिए, मोहर चाहिए, ऐसे तो मैं मेहनत कर रहा हूँ बट मुझे सफल मींस बहुत बड़ा स्टार बनने के लिए गॉड नीड्स टू गिव अ स्टैम्प लाइक समथिंग, या ब्रो यू हैव डन इट, उसके बिना तो नहीं होता। इसलिए उसने बोला कि जो जो मेरे पे पाप या फिर ऐसे है वो एक एक मीन्स बेला एमजी बेला पे देना, वो सब संभाल लेगा। एंड बाप की दारू, बहन की फीस, माँ के ताने या फिर माँ की बातें, उसके बाद स्टार्टिंग से जिन लड़कों पे ऐसी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो तो हद से ज्यादा कनेक्ट करने वाले हैं भाई इस गाने से। फिल्म भाई से एंड मोर ऑफ अ वेरी मीन्स जो हमने पहले बोला पर्सनल है भाई, कन्फेशन है उसके, जो जो फील हो रहा है वो जो जो यहाँ पे दबाए हुए रखता है। एंड ऑल्सो आई बिलीव कि ये पूरा गाना 10% भी नहीं है जिस हालत से वो गुजरता है, आई एम प्रीटी श्योर। या एंड उसके बाद प्रभास का एंडिंग में मीन्स हुक आता है, वो भी बहुत सही साउंड करता है ब्रो। गाना बना है कन्फेशन, जैसा हाइप करता है बंदा डिलीवर करता है ब्रो। इससे पहले भी किसी के गाने की हाइप हो रही थी आई गेस, या नहीं इससे पहले प्रूफ देम रॉन्ग बहुत प्यारा आया था, आउट्रो काल भैरव भी अच्छा था। काल भैरव मैं पहला एक खराब गाना, मैंने पिछली वीडियो ही बोला था एक खराब गाना, वो तो हमें मिलने वाला है वो खराब नहीं, बहुत अच्छा गाना है। मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होने वाला है, मैं सोचा था कि मींस कुछ गाने हमारे लिए होंगे इमोशनल, नहीं बट मेरे को नहीं, बट मेरे को नहीं लगते ये गाने हमारे लिए है। आई डिडंट फील लाइक ये गाने मेरे लिए बना है। जैसे तुम प्रूफ देम रॉन्ग का आउट्रो बोलो, जैसे तुम आर्या के साथ विश टू डाई का फ्री स्टाइल, उसमें मेरे लिए दो चार लाइंस है जिसने मुझे फील आएंगी, ऐसी बात है। बट ये गाना पूरा बेला का है, अपने लिए किया है, इट्स फील लाइक दैट। मुझे को इस गाने में मेरा पार्ट नहीं है तो ये वाला सीन है। इट्स अबाउट कि तुम आर्टिस्ट को जानो, उसकी स्टोरी, और तुम जानते हो तो तुम इससे ज्यादा जान पाओगे कि वो क्या माइंडसेट, क्या चीजों से गुजर रहा है। तो या ब्रो दैट वाज द रिएक्शन, कैसा लगा तुम्हारा ओपिनियन, तुम्हारे थॉट्स बताओ हम लोग कमेंट्स में, जुड़े रहो चैनल पे। एंड वी आर वेरी क्लोज टू 3K, तो मेक श्योर पिछले 100 वीडियो से हम लोग ये बोल रहे हैं बट अब तक नहीं हुआ, तो हम लोग एक हो जाए इसमें जस्ट एज बेला सेड, एंड बस 50 लोग लाइक कर दो, मींस सब्सक्राइब कर दो, तो वो पूरा हो जाएगा, करने से भी हो जाएगा जो भी है। तो या लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, एंड मिलते हैं तुम्हें अगले वीडियो में। तब तक अपना फीडबैक, अपना सजेशंस और किस पे हमें रिएक्शन करना है कमेंट में मेंशन कर दो।